हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं केया, मैं फिर आ गई हूँ तो बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अभी तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज संडे है तो देखिए घड़ी में 8:30 बज रहा है। तो अभी मैं पूरी और सब्जी बना रही हूँ आलू का। तो आज तो लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है आज से बंगाल में। तो यहाँ पे 7 से 10 तक खुला रहेगा और 3 से 5 तक रहेगा खुला। ओके, तो चलिए मैं अभी ये पूरी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। और सब्जी तो ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, आलू का सब्जी हो रहा है। और पूरी मैं आटा को छान के पे मैं रख दी हूँ यहाँ पे। देखिए अभी खाली पूरी को मैं छाकूंगी तेल में। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हे गाइस, तो देखिए अभी ऑलरेडी ये सब हो गया है और थोड़ा सा है वो हम बना रहे हैं। तो अभी मैं चाय बना रहे हैं, चाय चढ़ा दिए हैं इसमें गैस पे। अभी दूध दे रहे हैं। तो यो गाइस, अभी मेरा दादी आप पे जो चीनी है वो डब्बे में रख रही है और मेरा मम्मी ब्रेकफास्ट बना लिया है। तो मैं अभी नहीं खाऊंगा, अभी मेरे को भूख नहीं लगा है। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। मैं 9:30-10 बजे खाता हूँ, अभी मेरे को भूख नहीं लगता। अभी 9:50 नहीं बज रहा है। तो अभी आज मेरा सर आता था 7:30 बजे, लेकिन सर ने बोला कि टाइम नहीं है इसलिए शाम को आएगा। तो गाइस, तो आज तो वोट गणना हो रहा है, पता नहीं कौन जीतेगा। तो बहुत हम लोग टेंशन में हूँ, कौन जीतेगा, दीदी या दादा। बहुत हम लोग टेंशन में हूँ। तो हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए न्यूज़ देख रहे हैं। तो चलिए थोड़ा देखें कौन जीता। ओके, तो इसमें बहुत हम लोग में मैंने क्या बोलूँ, बहुत टेंशन में हूँ, कंफ्यूज हो गई हूँ, जो क्या होगा पता नहीं। तो चलिए मेरे बाबा सैनिटाइज कर रहे हैं ये सब सब्जी और ये देखो यहाँ पे चिकन है, ये देखो आज चिकन खाएंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, ये देखो ब्रेकफास्ट। हे गाइस, तो अभी मेरा बेटा तो दिखा दिया आप लोग को, रिक उस पापा भी सब्जी बाजार से अभी आए सब्जी लेके और चिकन मछली सब लेके आए हैं। अभी आके फ्रेश होके हाथ में सैनिटाइजर लगाया, आके अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है। तो हाय करो, गुड मॉर्निंग करो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो और इसके बाद हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। इधर देखिए, देखो रिक को हटो। तो अभी वोट गणना हो रहा है, तो अपने न्यूज सुन रहे हैं हम लोग भी, पता नहीं कौन जीतेगा। तो चलिए मैं भी अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। Thank you.
कौन जीतेगा तुम जानता है? कौन जीतेगा? वहाँ पर भूल गए। हे गाइस, तो देखिए कितना सब्जी लेके आए हैं आज हस्बैंड। देखिए तो इतना सब्जी, हम उसको मना किए इतना सब्जी मत लाओ मत लाओ, तो बोला नहीं हम संडे है आज हम लाके हम लोग फ्रिज में अभी रख देंगे, ये सब धोएंगे, धो के सैनिटाइजर लगाएंगे, उसके बाद मैं सब सब्जी को फ्रिज में रखेंगे। ओके तो अभी सब्जी लाया है, देखो कितना सारा सब्जी है, ये देखो अभी सब अच्छे से फ्रिज में रख रही है मेरी दादी, और ये देखो मेरे मम्मी सब सब्जी काट रही है चिकन बनाने के लिए। आलू प्याज काट रही हूँ, प्याज आपसे आंसू आ रहा, देखिए आलू काट रही है, और उसके बाद चिकन बनाएंगे। फिर ये देखो यहाँ पे सब्जी है, और फ्रिज में ये देखो हमारा फ्रिज है, इसके अंदर रखेंगे ये जो है। तो अभी कुछ देर बाद चिकन बन जाएगा। ये देखो, ये देखो अंगूर, ये देखो अंगूर, रुको ये देखो अंगूर, यहाँ आम है पक्का, देखो कच्चा आम, मैं खाता हूँ ये कच्चा आम। चटनी होगा, लो चटनी बनाएंगे, हाँ कच्चा आम का। चलो उसके बाद थोड़ी देर बाद चिकन भी तैयार हो जाएगा, मैं खाऊंगा, टेस्ट करता हूँ जब भी चिकन बनता है। तो चलो हे गाइस, तो अभी मेरे सास सभी मछली को धो के अभी रखा, तो फ्रेश होके देखिए धो के रख दिए हैं मछली को। सब धो के रखे हैं अभी, अभी मछली को हम लोग फ्रिज में रखेंगे, डीप फ्रिज में रखेंगे। तो चलिए, और इधर चिकन हो रहा है, देखिए चिकन बन गया है। कैसे हुआ बाबू? अच्छा। टेस्ट हुआ बेटा? यस। अच्छा लगा? खाओ, अब कार्टून भी देख रहा है चिंग चैन। गाइस, मेरा हस्बैंड आज बहुत काम कर रहा है, सच बोल रहे हैं, आज संडे भी है तो बहुत काम कर रहा है आज। ये सब टमाटर खीरा को सब धो के रखा अभी फ्रेश हो के एकदम, और क्या बोला, आज संडे भी है और लॉकडाउन भी हो गया है, घर में हम लोग हैं अभी सेफ। तो चलिए हे गाइस, तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, सुबह से ही बहुत टायर्ड हो गई हूँ काम करते करते, तो देखिए कितना पसीना हो गया है। देखिए किचन में जाती हूँ ना, इतना पसीना हो जाता है मेरे को, पूरा नहा लिए देखिए पसीना पसीना हो गया है। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, उसके बाद मैं फिर आप लोगों को कुछ भी करूँगी तो शेयर करूँगी थोड़ा सा। ओके, और क्या बोलूँ, कोरोना इतना बढ़ रहा है, बाप रे बाप, तो न्यूज़ में सुनते हैं तो और मन में डर लग गया है, बैठ गया है। तो घर में हम लोग सेफ हैं, मैं तो घर से नहीं निकल रही हूँ, और घर में सेफ हूँ मैं तो, अभी घर में ही गर्म पानी पी रही हूँ, घड़ा कर रही हूँ, घड़ा खा रही हूँ, विटामिन सी खा रही हूँ, और जो नींबू है नींबू का पानी गर्म पानी से मैं पी रही हूँ, और सबको मैं दे रही हूँ, बेटा को, हस्बैंड को, सास को, सबको ही मैं फैमिली हम लोग खा रही हूँ और पी रही हूँ। ओके, और घर में सेफ रहिए, बाहर उतना मत जाइए, सबको हम मैं बोल रही हूँ और फ्रेंड्स लोग को, और मास्क पहनिएगा और सैनिटाइजर लगाइएगा, और जब ज़रूरत हो तो घर से निकलिए, ज़रूरत तो सबको ही होता है ना बाहर में जाने के लिए, सब्जी लाना, सामान लाना, ये सब तो लाना ही पड़ेगा। तो मास्क पहन के ही अब लोग निकलिएगा घर से, और क्या बोलूँ, तो ये सब देखने का मतलब एक मैंने क्या बोलूँ, इतना हमको ख़राब लग रहा है, कोरोना इतना बढ़ रहा है, बढ़ गया है, तो कब जो खत्म ठीक होगा
ये एक मतलब भगवान ही जानता है, गॉड ही जानता है क्या होगा नहीं होगा। तो पहले से सेफ रहना ही चाहिए सबको, ओके। तो चलिए, हाँ तो मैं तो मैं नहा के आ गई हूँ, देखिए नहा लिए हैं, माता माँ शैम्पू भी दिए हैं आज। तो अभी हम लोग लंच करूँगी, काफ़ी देर भी हो गया आज थोड़ा सा, तो बज रहा है और हम लोग भी न्यूज़ सुन रहे हैं। आज वोट का जो गणना हो रहा है, हस्बैंड सास मैं भी देख रही थी। तो चलिए अभी नहा के अभी आए हैं, तो जल्दी से अभी तक नहीं नहाया मेरा बेटा, अभी नहाने जा रहा है। यो जाओ, देर हो गया, नहा का जाओ जल्दी से। नहीं जाओ 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 जल्दी जाओ, नहा का जल्दी से। तो देखिए ये सब अभी मेरा हस्बैंड लेकर आया, ये सब मेरा रोज का जो मैं लगाती हूँ, मुँह में फेस में लगाती हूँ रोज मैं, ये डाप सोप लगाती हूँ। और शैम्पू करती हूँ, बाल लगाते थे लेकिन उतना अच्छा नहीं लगा मेरा बाल, मेरा बाल भी पर पतला होता जा रहा था, तो इसलिए मैं पहले तो मैं क्लीन प्लस ही लगाते थे, इतना बड़ा बाल हो गया था, मजबूत भी था। और मैं क्लीन प्लस पे मैं फिर से यूज़ कर रही हूँ, और बाउल लगाए थे इतना दिन तो मेरा बाल इतना मेरा पतला हो गया था, इसलिए मैं ये वाला मैंने छोड़ दिया लगाना बाउल। मैं पहले से क्रीम प्लस ही लगाते थे, अभी फिर मैं क्रीम प्लस ही लगा रही हूँ। और ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, ये भी मैं फेस में लगाती हूँ। और ये भेजरीन है लिया, और रूप मंत्रा ये है आयुर्वेदिक का फेस क्रीम है, बहुत अच्छा है ये आयुर्वेदिक का है, कुछ दाग वो नहीं होता है, पिंपल भी नहीं होता है। रूप मंत्रा थोड़ा सा ब्राइट भी करता है, मतलब मेरा बहुत मेरे को सूट करता है ये रूप मंत्रा, ओके। मैं नेचुरल का चीज़ ज़्यादा लगाती हूँ क्योंकि मैं उतना मैंने मेकअप में जो केमिकल और जो 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 और कुछ जो 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 है मुँह में लगाने वाला फेस क्रीम वो सब बहुत केमिकल में से यूज़ होता है, ज़्यादा लगाने से भी स्किन ख़राब भी हो जाता है। तो मैं बचपन से मैं यही सब लगाती हूँ, नेचुरल क्रीम लगाती हूँ, ओके। तो चलिए अभी हम लोग थोड़ी देर में हम लोग लंच करूँगी, ओके। तो अभी मैं और ब्लॉग नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं ब्लॉग को अभी एंड करूँगी, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, हो जाएगा ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट्स आप लोग जरूर करिए, ओके। और क्या बोलूँ, मैं भी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आऊँगी नया ब्लॉग के साथ। तो कोरोना इतना बढ़ रहा है, कोरोना वायरस, तो आप लोग भी सेफ से रहिए, अच्छे से रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइजर लगाइए, ओके, और सेफ रहिए, ओके। तो मैं तो और अभी बाहर नहीं निकल रही हूँ क्योंकि मैं बाहर मन में डर लग गया, अभी मैं बाहर नहीं जा रही हूँ। जितना ब्लॉग करूँगी सब मैं
घर में करूँगी, छोटा मोटा जो भी ब्लॉग करूँगी मैं सबको शेयर करूँगी ओके। और अभी बाहर मैं नहीं जा रही हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ओके। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, बाय।